हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चले जी आप लोगों के? हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी रिवीजन सीरीज, जो हमारी सीए इंटर की अकाउंट्स की रिवीजन सीरीज चल रही थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, दैट इज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट वीडियो आपको टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को डेफर किया था। आज का जो हमारा टारगेट है, दैट इज, चार से पांच टॉपिक्स हमें कवर करके चलने हैं। कौन कौन से चार से पांच टॉपिक्स? पहला है जी फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम एंड कुछ थ्योरी के टॉपिक्स, छोटे छोटे से, जैसे फ्रेमवर्क वगैरह। देखते हैं जितना हो पाएगा उतना हम कर लेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा। अगर हम दो दो घंटे की तो मैं वीडियो रखूंगा नहीं, कोशिश करूंगा 1 से 1.5 घंटे में। अगर हमारे दो टॉपिक हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दो टॉपिक अच्छे से कर लेंगे, बाकी के जो टॉपिक होंगे मैं आपको आगे वाली वीडियो में दे दूंगा। जबरदस्ती चीजें डालने का कोई फायदा नहीं है, देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। जितना होता है मैं उतना आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्टिंग हम करेंगे फ्रॉम द टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आई जी, आई होप सो आप लोग पढ़ के आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे ये चार पांच टॉपिक्स। खैर, अगर ज्यादा अच्छे से नहीं करें हैं तो कोई बात नहीं, अब कर लेना, ठीक है जी। जैसे कि आप लोगों को पता है सर, रिजल्ट भी आया है, अभी अभी रिजल्ट आया है, तो वट एवर इट मे बी, पहली चीज तो जैसा भी जो भी रिजल्ट रहा उसको बिल्कुल भूल जाइए। नेगेटिव रहा कोई दिक्कत नहीं है, मई 20 के लिए आपको अच्छे से अब टारगेट करना है रिवीजन सीरीज को, रिवीजन क्लासेस का जितना हो सके उतना सर बेनिफिट उठा लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को तक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी से अच्छी मैं आप लोगों को रिवीजन करा पाऊं, तो आप लोग भी सर उसका प्लीज बेनिफिट उठाएं और अपने दोस्त वगैरह के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ जरूर 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 इसे शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का ग्रुप निकल गया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनका बेनिफिट हो पाए। स्टार्टिंग विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अब ये जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, इस फाइनल अकाउंट्स में हमारा लगता है जी शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसका? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप लोगों ने लॉ में भी पढ़ा होगा शेड्यूल 3 के बारे में थोड़ा बहुत, अकाउंट्स में भी आपने देखा होगा शेड्यूल 3 के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये फाइनल अकाउंट्स जितने भी हमें बनाने होते हैं, दैट इज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहां मैं पूरा शेड्यूल 3 आपको पूरा तरीके से उसको डिस्कस नहीं करने वाला इस चैप्टर में। देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ इररिलेवेंट टॉपिक्स भी हैं जो लॉ का पार्ट है। जो आप कंपनी लॉ पढ़ोगे वो आप उसमें पढ़ लोगे, क्योंकि क्वेश्चन उसके कंपनी लॉ में ही पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं ज्यादा फोकस उन पे नहीं रखूंगा। हमारा जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं आपको लिखवा देता हूं, सबसे पहले हमें जो टॉपिक करना है दैट इज मैनेजीरियल रेमुनरेशन। ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैनेजीरियल रेमुनरेशन। दूसरा टॉपिक हमें करना है डिविडेंड। डिविडेंड में से भी एक हमें प्रैक्टिकल टॉपिक करना है, दैट इज ट्रांसफर, सॉरी, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ, ट्रांसफर नहीं, इसको लिखिए, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ रिजर्व्स, इसके रूल्स होते हैं कुछ, वो पढ़ के चल रहे हैं। और थर्ड जो हमें टॉपिक करना है दैट इज डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये तीन टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल बनते हैं इस चैप्टर में से, इसमें से क्वेश्चन आता है। देखिए पूरा फाइनल अकाउंट्स बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे। मैनेजीरियल रेमुनरेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर फर्स्ट टॉपिक। तो आइए जी मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन, एक सेकेंड के लिए रुकिएगा बस। हाँ जी, मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन। सर मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन क्या होती है? मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन मींस, रेम्यूनरेशन मींस सैलरी, सैलरी पेड टू द की मैनेजीरियल पर्सन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी केएमपीज वगैरह होते हैं
उनको जो भी रेमुनरेशन पे करी जाती है वो इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट पे करनी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा रेमुनरेशन अपने मैनेजीरियल पर्सन के एमपीज वगैरह को बांटते हैं, क्योंकि एमपीज वगैरह क्या होते हैं, के एमपीज वगैरह कंपनी के खास लोग होते हैं, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है कंपनी का, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह आते हैं, तो ये सब कंपनी के खास लोग होते हैं। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा के एमपीज में बांट देगी तो सर बाकी लोग क्या करेंगे। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने कुछ ना कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 197। अभी सेक्शन 197 क्या कहता है, सेक्शन 197 सेज, ये कहता है कि ओवरऑल लिमिट इज 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, यानी कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा, अपने नेट प्रॉफिट्स के 11% से ज्यादा मैनेजीरियल रेमुनरेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब बात आती है सर ये नेट प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, ये नेट प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं एज पर सेक्शन, अंडर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब एक एस्पेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 198। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 198 वो कैसे निकाले जाएंगे, देखिए आपको दिया रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास क्या होगा जी, आपके पास होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, जैसे कि सबसे पहले तो आप टैक्स को एड बैक कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, पीबीटी निकल के आ जाएगा, प्लस जो आपने डायरेक्टर रेमुनरेशन अपने पीएनएल अकाउंट में माइनस कर रखी है, जो आपने डायरेक्टर रेमुनरेशन अपने पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस अलाउ कर रखा है वो हम मान के चलेंगे कि गलत है, क्योंकि हम उसी के लिए तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे डायरेक्टर्स रेमुनरेशन के नाम से ऐड बैक कर देंगे। ये एक तरीके से जैसे आपने अगर टैक्स में पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ा हो तो पीजीबीपी में क्या करते हैं हम प्रॉफिट उठाते हैं और उसको इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं टू द इनकम टैक्स प्रॉफिट, तो वही हम कर रहे हैं कि प्रॉफिट हमने उठाया उसको एज पर 198 सेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट कन्वर्ट करके चल रहे हैं, तो जो डायरेक्टर रेमुनरेशन आपने अलाउ कर रखी है उसको हम क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, प्लस जो आपने डेप्रिसिएशन अलाउ कर रखा है तो वो डेप्रिसिएशन भी हम मान के चलते हैं कि गलत है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एज पर शेड्यूल टू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कॉमा डायरेक्टर रेमुनरेशन कॉमा डेप्रिसिएशन, ये निकल के आ गया। ओके जी, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आप एड बैक करेंगे एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया इस टाइप का कोई भी खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए आपने इसको भी क्या कर दिया एड बैक कर दिया। ठीक है जी, और अब क्या करेंगे, अगर आपने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आप क्या करेंगे, जो आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर रखा है उसको भी आप क्या करेंगे एड बैक कर देंगे। अब आ जाइए इधर, अब देखिए डेप्रिसिएशन आपने ऊपर ऐड किया था, अब यहां पर अलाउ हो जाएगा डेप्रिसिएशन कौन से वाला, डेप्रिसिएशन एज कंप्यूटेड अंडर शेड्यूल टू ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो ये आपने अलाउ कर दिया माइनस, और क्या माइनस कर देंगे, देखिए अगर आपके कोई गेन्स है, गेन्स ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेच के आपने कोई गेन प्रॉफिट वगैरह कमा रखा है तो उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा बढ़ गया होगा, तो उसको भी आपने हटा दिया, क्योंकि हम ऑपरेटिंग नेचर के आइटम्स की बात करें, किसकी बात करें जी, ऑपरेटिंग नेचर की आइटम्स की बात कर रहे हैं। प्रोविजंस, प्रोविजंस को ऐड करेंगे, ये प्रोविजंस हमने क्या कर दिए जी ऐड बैक कर दी, और अगर इसके अगेंस्ट कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट प्रोविजन, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे जी लेस कर देंगे। जैसे आपने प्रोविजन फॉर क्लेम्स एंड वारंटी बनाया था, लेकिन कितने का बनाया था, लेट से आपने 10 लाख रुपए का प्रोविजन बनाया था, उसके अगेंस्ट आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना आया जी, उसके अगेंस्ट आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया 7 लाख रुपीज का, तो वो कहते हैं 3 लाख रुपए एडबैक हो जाएंगे, समझे 3 लाख रुपए कैसे, 10 लाख ऐड करे और 7 लाख जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो लेस किया, तो आपके इफेक्टिवली देखा जाए तो 3 लाख रुपए क्या हो गए जी एडबैक हो गए। दिस इज वॉट, ये आपका निकल के आया प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। इस प्रॉफिट के ऊपर आप मैक्सिमम 11% की रेमुनरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक है जी, तो एक ये एस्पेक्ट हमारा
कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो सेक्शन 197 को फॉलो करके कंपनी क्या कर सकती है जी, अपना मैनेजरियल रेमुनरेशन पे कर सकती है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स हैं जी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं इनसफिशिएंट, या फिर क्या है लॉसेस है कंपनी में, क्या कंपनी तब भी मैनेजरियल रेमुनरेशन डिक्लेयर कर सकती है? आंसर इज तब भी मैनेजरियल रेमुनरेशन डिक्लेयर कर सकती है बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। कंपनी अपनी इफेक्टिव कैपिटल को बेस रखकर मैनेजरियल रेमुनरेशन डिक्लेयर कर सकती है, दैट इज गिवन अंडर शेड्यूल वी ऑफ द कंपनीज एक्ट। 5 बोल लो या वी बोल लो की बात है, शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, अब ये क्या कहता है शेड्यूल 5, क्या कहता है शेड्यूल 5? कहता है कि भैया इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से आपकी लिमिट्स डिसाइड होती है कि आप पर एनम कितनी मैनेजरियल रेमुनरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको लिमिट्स लिखवा देता हूं। देखिए अगर तो यहां लिखता हूं इफेक्टिव कैपिटल और यहां पर आपकी आती है ओवरऑल लिमिट। अब जो हमने सेक्शन 197 में पढ़ा था वहां पर ओवरऑल लिमिट जो थी वो परसेंटेज फॉर्म में थी कि प्रॉफिट्स का 11%। अब शेड्यूल बी में क्या है, देखिए प्रॉफिट्स तो है ही नहीं क्योंकि लॉसेस वाली केस की बात है, तो अगर लॉसेस है तो इफेक्टिव कैपिटल के बेस के आपकी जो लिमिट बनाई गई है दैट इज अमाउंट की लिमिट। किस हिसाब से? देखिए अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल है जी लेस देन 5 CR तो आपकी जो ओवरऑल लिमिट निकल के आती है वो निकल के आती है 60 लाख पर एनम। आप 60 लाख रुपए तक की, सालाना 60 लाख रुपए तक की मैनेजरियल रेमुनरेशन को डिक्लेयर पे कर सकते हैं। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल निकल के आती है 5 करोड़, बट 5 करोड़ बट लेस देन 100 CR, मतलब 5 करोड़ और 100 CR तक, 5 करोड़ या उससे ज्यादा और 100 CR से कम। देखिए दोबारा देखिए, लेस देन 5 CR में क्या हुआ, 5 CR से कम। अगली वाली में क्या आया, 5 CR या उससे ज्यादा और 100 CR से कम, तो उस केस में आपकी लिमिट कितनी निकल के आती है 84 लाख पर एनम, 84 लाख पर एनम। अगली कैटेगरी क्या आएगी, 100 करोड़ या उससे ज्यादा बट लेस देन 100 करोड़ या उससे ज्यादा बट लेस देन 250 करोड़, तो आपकी लिमिट निकल के आती है जी 120 लाख पर एनम। ठीक है जी, और अगली लिमिट आपकी क्या निकल के आती है, नेक्स्ट लिमिट इज अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल है मोर देन और इक्वल टू 250 CR और मोर 250 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपकी जो लिमिट निकल के आती है दैट इज 120 लाख पर एनम प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल बियॉन्ड 250 CR। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अगर हमारी इफेक्टिव कैपिटल है, हमारी इफेक्टिव कैपिटल है लेट अस से 575 CR, 575 CR, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैनेजरियल रेमुनरेशन कितनी रहेगी? मैक्सिमम एमआर शैल बी 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ व्हाट, इफेक्टिव कैपिटल बियॉन्ड 250 करोड़, यानी कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 0.01% ऑफ व्हाट, 575 माइनस 250, तो ये कितनी निकल के आती है, इसको टोटल कीजिए, ये आएगा कि माइनस 250 का 0.01% प्लस लैक्स में ले लीजिए, फाइव सेवेंटी फाइव माइनस 250 0.01% इंटू 1 लैक, हाँ जी हाँ, ये आ गया आपका 120 प्लस 120, ये आपकी निकल के आती है 120.0325 लाख, 120.0325 लाख, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 लाख से तो ये निकल के आती है आपकी 12 लाख, दैट इज रुपीज 12 लाख 3250, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख 3250, एक तरीके से कुछ ना कुछ आपकी फिगर निकल के आ जाएगी।
ठीक है जी, ये चीज समझ में आई। अब बात आती है सर, ये जो आपने इफेक्टिव कैपिटल टर्म बोली है ये कैसे निकलेगी? इफेक्टिव कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगी? इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए आपको चाहिए व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, मुझे बता सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर मैं बोलता इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स तो सिर्फ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स, लेकिन मैंने यहां टर्म क्या यूज करी है? शेयर होल्डर फंड दैट इंक्लूड्स प्रेफरेंस कैपिटल ऑल्सो। ठीक है जी, तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस में आपका लॉन्ग टर्म डेट्स। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग व्हाट? एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व, दिस इज योर इफेक्टिव कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। बट रिजर्व एंड सरप्लस में आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस पीएनएल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ये सब आपका क्या निकल के आएगा? इफेक्टिव कैपिटल निकल के आएगी। दिस इज योर मैनेजीरियल रेमुनरेशन। बताइए जी, समझ में आया? ओके, एक तो एस्पेक्ट हमारा इसमें आता है जी मैनेजीरियल रेमुनरेशन का। दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट बनता है दैट इज ऑफ डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड क्या कहता है। डिविडेंड में आपको एक ही चीज पढ़नी है। देखिए डिविडेंड में आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे आप सेक्शन 123 से 127, ये सब डिविडेंड की बातें करते हैं। तो वो सेक्शंस को मैं अभी आपके साथ पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में तो सारी चीजें इसकी करवाता ही हूँ, लेकिन अभी मैं आपको जो रिवीजन करा रहा हूँ उसमें जो एग्जामिनेशन अप्रोच है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो मैं आपसे कराऊंगा। ये कहता है, इसमें एक सेक्शन आता है 123 सबसेक्शन 1, 123 सबसेक्शन 1, ये क्या कहता है? और प्लस इसमें लगते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है या लॉसेस है और फिर भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो कंपनी डिविडेंड अपना डिक्लेयर कर सकती है फ्रॉम इट्स पास्ट फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम इट्स फ्री रिजर्व्स। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए कंपनी को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन क्या है? वो कहता है जो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड व्हाट? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड विच वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द प्रीवियस 3 ईयर्स। यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड, बताइए किस तरीके से लिखूं? शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। यानी कि पिछले 3 साल में कंपनी ने जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके एवरेज का, उसके एवरेज के ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि उतना हो सकता है या उससे कम हो सकता है। ठीक है जी, अगली कंडीशन क्या कहती है? अगली कंडीशन कहती है कि जितना भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे कहां से, जितना भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे फ्री रिजर्व से, दैट शैल नॉट एक्सीड, यानी कि क्या मैं लिखूं, लिखेंगे आप अमाउंट विड्रॉन शैल नॉट एक्सीड व्हाट? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। हाँ जी, अमाउंट जितना विड्रॉ करेंगे वो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपकी पेड अप कैपिटल है 500 और आपके फ्री रिजर्व से 75, तो 575 का 1/10 दैट इज 57.5 से ज्यादा आप पैसा विड्रॉ कर नहीं सकते। ठीक है जी, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड जो कंडीशन बैठती है आपकी, थर्ड कंडीशन है कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे उससे आपको लॉसेस को सेट ऑफ करना पड़ेगा, लॉसेस टू बी सेट ऑफ ऑफ द ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। लॉसेस टू बी सेट ऑफ ऑफ द ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, यानी कि जिस साल आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो प्रॉफिट, जो आपने पैसा विड्रॉ किया उसमें से लॉसेस को पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, एंड लास्ट कंडीशन इज कि जब आप रिजर्व में से पैसा निकालेंगे तो बैलेंस ऑफ रिजर्व
बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल, आफ्टर सच विड्रॉवल शैल नॉट फॉल बिलो, यानी कि शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। बात समझ में आती है? ये चार कंडीशन आपको सेटिस्फाई करके चलनी पड़ेगी। मतलब अगर कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है या लॉसेस वगैरह है तो कंपनी डिविडेंड अपने फ्री रिजर्व से डिक्लेयर कर सकती है सब्जेक्ट टू दीज फोर कंडीशन। पहली कंडीशन, जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है फ्री रिजर्व से वो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल यानी फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको जिस साल का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस साल के लॉसेस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एंड बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल शैल, बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। ठीक है जी, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, आपको बता रखा होगा कि भैया ये अमाउंट है अपना, हमने इतना विड्रॉ कर लिया है। तो ये सब करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा वेदर द कंडीशन आर कंप्लाइंग और नॉट। ठीक है जी, दिस इज योर डिविडेंड टॉपिक। और जो इसमें लास्ट टॉपिक बनता है दैट इज योर डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। डीडीटी, डीडीटी कुछ नहीं है। डीडीटी क्या है? डीडीटी इज अ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो सेक्शन 115 ओ एंड 115Q, 115 ओ एंड 115Q ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपको पता है, चलो आपको बता ही देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ये जो डीडीटी का टॉपिक है ये अगले साल आपका हट जाएगा कोर्स से। वाई हट जाएगा? क्योंकि अब जो बजट आया है यूनियन बजट 2020, उसमें डीडीटी खत्म कर दिया, उसमें डीडीटी हैज बीन रिमूव। तो ये जो सेक्शन है 115 ओ 115Q ये खत्म होने वाले, अभी आपके कोर्स के लिए अभी खत्म नहीं हो रहे लेकिन आने वाले 1-2 अटेम्प्ट बाद ये खत्म हो जाएंगे। खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो फोकस है अपने अटेम्प्ट की तरफ है। तो 115 ओ एंड 115Q क्या कहते हैं कि भैया डीडीटी, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डीडीटी पे करना पड़ेगा। डीडीटी कितना होता है? डीडीटी शैल बी 15%, जो डीडीटी का रेट है दैट इज 15%। और इसके ऊपर क्या लगता है जी, इसके ऊपर सरचार्ज लगता है 12% का एंड एजुकेशन सेस लगेगा हमारा 4% का। तो अगर मैं इसका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना निकलेगा, ये निकल के आता है 17.472। लेकिन कई बुक्स में आपको 4 की जगह 3 मिलेगा क्योंकि 4% अभी चेंज हुआ था। तो अगर 3% लू तो ये निकल के आता है 15+12+3% 17.304%। एज द केस में भी आप एक बार चेक कर लेना, आपको वैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? हाँ जी, जो हमारा डीडीटी है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस हिसाब से होगा? आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड। अब बात आती है सर ये ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कितने का, मान के चलो लेट अस से 425 लाख का, 425 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया और डीडीटी का रेट है हमारा 15%+12%+3%, एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आपको डीडीटी बताना है, ये डीडीटी का रेट दिया आपको, डीडीटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है। डीडीटी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले डिविडेंड को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ग्रॉस अप करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जी, डिविडेंड डिक्लेयर जितना आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा इंक्रीज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रॉसिंग अप। मतलब आप एज्यूम करके चलेंगे कि इस 425, ये जो 425 का अमाउंट आया है ये आफ्टर डिडक्टिंग डीडीटी आया है, यानी कि दैट इज 100 - 15 × 15। अगर मैं ऐसे बोल सकता हूं, सिर्फ मैं डीडीटी का रेट बोल रहा हूं, इसमें सरचार्ज और सेस नहीं होता। तो जो 425 का रेट है अगर वो 85% है तो 15 कितना होगा, डिवाइडेड बाय 85 इनटू 75। दिस इज योर ग्रॉस डिविडेंड, दिस इज योर ग्रॉस डिविडेंड और आपका ग्रॉस में कितना निकल के आएगा 500। अब आप निकाल सकते हैं डीडीटी, अगर डीडीटी का रेट बनेगा तो वो बनेगा 17.304%। तो ये कितना निकल के आएगा, 500 का
86.52 lakhs, दिस इज योर डीडीटी। बात समझ में आती है? हाँ जी बोलिए मेरे बच्चों, बात समझ में आई? हाँ जी यस। अब इसकी अगर मैं डिस्क्लोजर्स की बात करूं, देखिए जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो एंट्री क्या बनती है? डिविडेंड डिक्लेयर करने की एंट्री बताइए, बताइए जी। डिविडेंड डिक्लेयर करने की एंट्री बनती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और साथ में डीडीटी भी आ जाता है, साथ में डीडीटी भी आ जाता है, और फिर एंट्री बनेगी पेमेंट की, दैट इज डिविडेंड पेबल एंड डीडीटी डेबिट डेबिट टू बैंक। बताइए जी, इज दिस क्लियर टू यू? हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूं, एक हमारा बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि रिजर्व का नोट। आपको कई बार ना क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है, प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स में आपका रिजर्व का नोट शॉर्ट, रिजर्व का आपको नोट टू अकाउंट्स बना के देना है। तो रिजर्व का नोट टू अकाउंट कैसे बनाएंगे आप? आप बनाएंगे बैलेंस इन द पीएनएल अकाउंट, यानी कि बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्या निकल के आया? ओपनिंग बैलेंस। इसमें आप ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप लेस करना शुरू करेंगे, लेस करना शुरू करेंगे क्या? एप्रोप्रिएशंस की आइटम, एप्रोप्रिएशंस की आइटम। एप्रोप्रिएशंस में क्या क्या आएगा आपके पास? इसमें आएगा आपके पास ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व एक तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ सकता है ट्रांसफर टू सीआरआर, याद है सीआरआर? सीआरआर कब बनता था? सीआरआर बनाया जाता था ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ऑन द बायबैक ऑफ शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सब सीआरआर की रिक्वायरमेंट थी, सीआरआर प्रॉफिट्स का हिस्सा था, ये हमने सीआरआर बना दिया। और क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें आपका हो सकता है प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो आ जाएगा। इसमें आपका हो सकता है इक्विटी डिविडेंड, जितना भी आपने इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर किया वो आ जाएगा, और आपका इसमें डीडीटी भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बैलेंस जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में अंडर पीएनएल अकाउंट योर व्हाट, अंडर पीएनएल अकाउंट योर नोट्स। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका किसी भी साल लॉस आ रहा होता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार थ्योरी में पूछा जाता है कि लॉस को प्रेजेंट कैसे करेंगे इन द नोट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, लॉस इज टू बी प्रेजेंटेड एज नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। मतलब कभी भी आप लॉस को एसेट में नहीं दिखाते, शेड्यूल थ्री मना करता है। शेड्यूल थ्री कहता है कि ये जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस बनाया, ये जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, इस रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में आपको लॉस नेगेटिव फिगर से ही दिखा के चलना है। अगर आपका रिजर्व एंड सरप्लस ही नेगेटिव आता है कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट पे लॉस को नेगेटिव दिखा दीजिए, और अगर आपका लॉस नेगेटिव है तो आप नोट्स टू अकाउंट में लॉस लेके जाइए और बाकी रिजर्व से उसको सेट ऑफ कर दीजिए। क्लियर है जी? तो ये हमारा टॉपिक था ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आई होप ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ आपको बताइए। क्लियर? चलिए अब जो हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, इसी के साथ साथ कनेक्टेड टॉपिक होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है। हाँ जी, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इसके साथ साथ हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं, दैट इज AS3, जो कि आपके कोर्स का पार्ट है। तो AS3 आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक के साथ ही आपका AS3 भी कवर हो जाता है। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब ये वो स्टेटमेंट है जो क्या बताती है, जो बताती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जो हमारा AS3 है, AS3 कभी भी मैंडेट नहीं करता टू प्रिपेयर सीएफएस। AS3 मैंडेट नहीं करता सीएफएस बनाने के लिए। AS3 क्या देता है? AS3 गिव्स ओनली फॉर्मेट ऑफ सीएफएस। AS3 में लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात आती है सर ये मैंडेट कौन करेगा?
अगर मैं मैंडेट की बात करूं तो मैंडेट कंपनीज के लिए तो कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है। अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी ने क्लॉज 32 में बोला हुआ है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बनानी पड़ेगी। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बोलूं तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA ने बोला हुआ है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनानी पड़ेगी। अब बात आती है सर ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, अभी इस पे हम आते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, जो AS3 है हमारा, AS3 हमेशा फॉर्मेट देता है CFS का, इट नेवर मैंडेट्स द प्रिपरेशन ऑफ CFS। मैंडेट कौन करता है, कोई लॉ करता है, जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी रेगुलेशन और इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस IRDA। अब जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अभी देखिए AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है, तो क्या दे रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी, इसके लिए हमें चाहिए तीन तरीके की एक्टिविटीज होती है। एक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो पहले आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आपका टोटल क्या निकल के आएगा, इसको बोलोगे आप नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें अगर आप ऐड कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात आती है सर यही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बिल्कुल सर यही हमारी क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट है एज गिवन इन AS3। सर हमने 12th क्लास में तो बहुत अलग तरीके से फॉर्मेट पढ़ा था, वो कुछ नहीं है, वो आपने इन सब का ब्रेकअप पढ़ा था, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ये सब हमें मेथड वाइज चलना है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है जी, अब हम तीन तरीके की जो एक्टिविटीज हमने निकाली है उन पर चर्चा करते हैं। तो हमारी सबसे पहले आती है सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड तीसरी इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करेंगे दैट इज ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दोज एक्टिविटीज जहां पर हमारा कैश अराइज हो रहा है थ्रू फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, मतलब जब भी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स या उससे रिलेटेड आइटम से कैश आता है या कैश जाता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। मतलब जब भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या उससे रिलेटेड आइटम हो, उससे आपका कैश आ रहा हो या जा रहा हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल हम लेके चले तो जैसे आपने फिक्स एसेट्स को बेचा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश क्या आएगा आपके पास, आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम बताइए इंटरेस्ट किस पे मिलता है हमें, इंटरेस्ट मिलता है हमें इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इंटरेस्ट इनकम भी हमारा क्या है, कैश आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। डिविडेंड भी हमें किस पे मिलता है, इन्वेस्टमेंट्स में मिलता है, तो डिविडेंड भी हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग आइटम्स कहलाएगी। इन्वेस्टमेंट्स को बेचना, इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना, ये सब हमारी क्या कहलाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाती है। तीसरी आती है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस
एंड इट्स रिडेम्पशन, मतलब पैसा फाइनेंस, पैसा रेज करके हमारे पास जो पैसा आता है, फंड्स को रेज करके जो हमारे पास पैसा आता है या उसकी रिडेम्पशन, प्लस इसकी सर्विस कॉस्ट। सर ये सर्विस कॉस्ट क्या है, ये क्या है, इसके एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो, आपने शेयर्स को इशू किया, आपने शेयर्स को इशू किया, पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने डिबेंचर्स को इशू किया, पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने बॉन्ड्स इशू करे, पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, पैसा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया, पैसा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और आपने बॉन्ड्स को रिडीम किया तो पैसा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर्विस कॉस्ट मतलब जैसे शेयर्स पे आपने डिविडेंड को पे करा तो डिविडेंड क्या कहलाएगा, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिबेंचर्स बॉन्ड्स पे आपने इंटरेस्ट पे करा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपने डिविडेंड पे किया, वो भी आपकी क्या कहलाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगी। बाकी जितनी भी आइटम्स हैं वो सब हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी अगर कोई आइटम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं कहला रही तो वो क्या बन जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स एंड इट्स इंसिडेंटल आइटम। तो ये डेफिनेशन बहुत वाइड है, ये डेफिनेशन क्या है आपकी, बहुत ज्यादा वाइड है कि सर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स कौन सी होंगी, उसकी इंसिडेंटल आइटम कौन सी होगी। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो हम क्यों ना इसको याद रख ले कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है, ऑपरेटिंग तो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, एक चीज तो ये थी। अगली चीज, अगर कंपनी का एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर कंपनी का फाइनेंस बिजनेस है, मतलब अगर कोई एनबीएफसी है या कोई बैंक है जिनका काम क्या है, फाइनेंस देना, लोन वगैरह प्रोवाइड करना, तो उनको जो भी डिविडेंड मिलते हैं, उनको जो भी डिविडेंड मिलते हैं या जो भी उनको इंटरेस्ट मिलते हैं, वो उनकी, बताइए जी, वो उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि ये उनका मेन बिजनेस हो गया। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, अगर किसी कंपनी का फाइनेंस बिजनेस है या एनबीएफसी वगैरह हैं, बैंक्स वगैरह हैं, उनको जितने भी डिविडेंड मिलते हैं या इंटरेस्ट मिलते हैं, वो सब क्या कहलाएंगी, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो नहीं बनेंगी। ठीक है जी, एक ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अगर मैं डेफिनेशन बात करूं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस, इट मींस कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब दैट कैन बी रियलाइजेबल, दैट कैन बी रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स, जो 3 महीने के अंदर अंदर बिक सकती है, वो भी हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। इट इंक्लूड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड व्हाट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है जी, तो ये आपकी कहलाएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है जी, ओके। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, 3 तरीके के हमारे पास इसमें क्वेश्चन आते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें आपके पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनता है वो 3 तरीके का बनता है। टाइप 1, देखो टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, क्या आपको गिवन रहेगा, 1 मिनट, अरे आपको गिवन रहेगा कैश अकाउंट, आपको कैश अकाउंट गिवन रहेगा, आपको बैंक अकाउंट गिवन रहेगा, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट गिवन रहेगा। मतलब ये 3 अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको करना क्या है इसमें, आपको कंबाइन करना है तीनों अकाउंट्स को, कंबाइन अबव अकाउंट्स, और कैंसल कर देना, और कैंसल कर देना कॉन्ट्रा आइटम्स। कॉन्ट्रा आइटम्स मतलब जैसे कैश में अगर बैंक डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, बैंक लिखा हुआ है, बैंक में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये सब क्या होती है, कॉन्ट्रा आइटम्स होती हैं। जैसे कैश बैंक में डिपॉजिट कराया तो ये कॉन्ट्रा आइटम्स होगी ना, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेची है, तो कैश ये आपस में ही क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि एक ही जगह पर प्लस होना है, एक ही जगह पर माइनस होना है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करके कैंसिल कर देते हैं, और रिमेनिंग आइटम्स को, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग आइटम है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे, पोस्ट रिमेनिंग आइटम्स इन
कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको अगर मैं टेक्निकली बोलूं, दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट मेथड। देखिए जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए मेथड्स बनाए गए हैं। CFFOA यानी कि ओए निकालने के लिए हमारे पास क्या है, मेथड्स है। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली कैश से ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल पा रहे हो, अगर आप डायरेक्टली कैश अकाउंट बैंक अकाउंट वगैरह बनाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश निकाल पा रहे हो, दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। अगर आप इनडायरेक्टली चले जाते हैं, इनडायरेक्टली मतलब नेट प्रॉफिट से जाते हो, नेट प्रॉफिट में क्या होगा, नेट प्रॉफिट में आप नॉन कैश आइटम्स को ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करोगे, तब आप क्या निकालोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट मेथड। तो ये वाला मेथड क्या कहलाता है, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, कैश भी अवेलेबल है, बैंक भी अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करी, कैश आइटम निकाली और उसको पोस्ट कर दिया इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप टू। टाइप टू क्वेश्चंस में क्या गिवन रहेगा आपको? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसमें ही टाइप वन में जितनी भी हमारी नॉन कैश आइटम्स हैं वो सारी क्या है, यूजलेस है। नॉन कैश आइटम मतलब अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ गिवन है, गुडविल रिटर्न ऑफ गिवन है, ये सब क्या है, आपकी यूजलेस आइटम है, क्योंकि हमें तो कैश इंफॉर्मेशन चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट, ठीक है जी। टाइप टू क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा? टाइप टू क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा गिवन रहेगा आपको दो बैलेंस शीट्स, टू बैलेंस शीट्स गिवन है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि लास्ट ईयर की और करंट ईयर की दो बैलेंस शीट्स गिवन है आपको, और एक पीएनएल अकाउंट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। अब आपको करना क्या है इसमें, इसमें आपको सबसे पहले प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट्स, सारे के सारे लेजर अकाउंट्स को बना लो, यानी कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्या क्या बनाओगे आप, जितने भी आपकी एक्सपेंस अकाउंट है, इनकम अकाउंट, सब कुछ, सारे अकाउंट्स आप लेजर अकाउंट्स बना लो, और हर अकाउंट से आप क्या निकालो, एक्सट्रैक्ट करो कैश की इंफॉर्मेशन को, कि भैया कैश कहां कहां से आ रहा है, कैश इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, और उस कैश इंफॉर्मेशन को आप कहां पर डाल दो, पोस्ट कैश इंफॉर्मेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस मेथड को भी टेक्निकली डायरेक्ट मेथड ही बोला जाता है, क्योंकि यहां भी हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कैश निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी हम नेट प्रॉफिट के तरीके से नहीं कर रहे। अब मेरे पास पीएनएल अकाउंट ही गिवन है, मुझे बताइए, जब मेरे पास पीएनएल अकाउंट ही गिवन है तो मेरे पास सारे इनकम और एक्सपेंसेस अवेलेबल है, तो मेरे को इनडायरेक्टली जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास सेल्स भी अवेलेबल हो जाएगी, परचेज भी अवेलेबल हो जाएगी, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट कर लूं उस चीज को, तो ये मैं डायरेक्ट मेथड इसको बोल सकता हूं। अगेन इसमें भी आपकी नॉन कैश आइटम्स आर यूजलेस, नॉन कैश आइटम्स आर यूजलेस, ठीक है जी। और आप अवॉइड भी कर सकते हो लेजर्स, अवॉइड भी कर सकते हो लेजर्स वेर एवर पॉसिबल, जहां पर आपको लगता है कि भाई लेजर को अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, अब जो हमारे टाइप थ्री क्वेश्चंस हैं, टाइप थ्री क्वेश्चंस, देखिए टाइप थ्री क्वेश्चंस में क्या आएगा, हमारे पास गिवन रहेगा, गिवन टू बैलेंस शीट्स ओनली, सिर्फ आपके पास दो बैलेंस शीट्स रहेंगी और सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ में दी रहेगी। देखो अभी तक हमारे पास क्या था, हमारे पास दो बैलेंस शीट, तो साथ में पीएनएल अकाउंट था, पीएनएल अकाउंट तो हमारे पास सारी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल थी, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट टाइप वन में हमारे पास सब कुछ ही अवेलेबल था। अब हमारे पास खाली दो बैलेंस शीट्स हैं लेकिन हमारे पास पीएनएल अकाउंट नहीं है, कैश हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें
प्रॉफिट को यूज करके, जो आपके पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट दे रखा होगा उसको यूज करके आपको कुछ कैश इंफॉर्मेशन को निकालना है। इस मेथड को कहते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। इसको क्या कहलाते हैं हम? इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको सबसे पहले तो प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट, सारे आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं which gives इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑब्लिक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब सारे वो लेजर अकाउंट्स बना लो जिससे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट कैश इंफॉर्मेशन एंड पोस्ट कैश इंफॉर्मेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, इसमें डू नॉट प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ये आपको नहीं बनाना। लेकिन इसमें आपकी नॉन कैश आइटम्स यूजफुल हो जाती हैं। क्यों यूजफुल हो जाती हैं? क्योंकि आप प्रॉफिट को यूज करके क्या निकालोगे, प्रॉफिट को यूज करके कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे। क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दिया रहेगा पीएनएल अकाउंट में, उसमें नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करके आप क्या निकालोगे, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे, फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, ये आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के काम आते हैं। CFFOA के लिए हमारे पास दो मेथड है, दैट इज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है जी। अब इसमें देखो कई सारी क्वेश्चंस हैं, कई सारी एडजस्टमेंट्स हैं, वो आप लोगों को अब सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। बाकी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बातें है नहीं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो बता देता हूं। जैसे कि आपके पास आएगा, हाँ जी, एक चीज ध्यान रखा, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स को आप लायबिलिटी नहीं मानोगे, इज नॉट लायबिलिटी। इसके लिए आप क्या बनाओगे, इसके लिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, किस तरीके से बनेगा आपका, बाय बैलेंस बीडी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, टू बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। फिर आप क्या करोगे, टू बैंक, जितना आपने टैक्स पे किया है टू बैंक आ गया आपका, टू अगर टीडीएस है तो टीडीएस आपका एडजस्ट हो जाएगा, और यहां क्या लिखोगे, बाय पीएनएल अकाउंट, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रोविजन क्रिएट किया है, प्रोविजन क्रिएटेड। तो आपके लिए कौन कौन सी आइटम रेलेवेंट हो जाएंगी, आपके लिए कौन कौन सी आइटम रेलेवेंट रहेंगी, देखिए ये वाली आइटम आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। क्यों रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि ये आपकी कहां जाएगी, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, और ये भी आपके लिए रेलेवेंट रहेगी क्योंकि ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, प्रपोज डिविडेंड वाला कोई कंसेप्ट होता नहीं है, सिर्फ आपका डिविडेंड पेबल अकाउंट होता है, तो इसमें इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। एक आता है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होती है, तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें आपके पास आएगा, एक मैं आपको फॉर्मेट और दे देता हूं कि फॉर्मेट आपका किस तरीके से रहेगा। इनडायरेक्ट मेथड से आपको CFFOA निकालनी है, तो वो कैसे रहेगा, देखिए डायरेक्ट मेथड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कैश इन्फॉर्मेशन निकालिए, जो आइटम ऑपरेटिंग की ऑपरेटिंग में डालिए, जो इन्वेस्टिंग की इन्वेस्टिंग में डालिए, जो फाइनेंसिंग की फाइनेंसिंग में डालिए। फॉर्मेट की दिक्कत रहती है इन द इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से आपको CFFOA कैसे बनानी है, तो मैं लिखता हूं यहां पर फॉर्मेट, ये फॉर्मेट किसका है, फॉर्मेट ऑफ CFFOA एज पर इनडायरेक्ट मेथड, एज पर इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए ये आपका कुछ यहां पर फॉर्मेट रहेगा इस हिसाब से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका क्या गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके।
इसमें आप ऐड करेंगे, ऐड करेंगे क्या, जितने भी आपके नॉन कैश एक्सपेंस हैं, जितने भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप ऐड बैक कर देंगे। जितनी भी आपकी नॉन कैश इनकम्स हैं, नॉन कैश इनकम्स, वो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस के एग्जांपल बताइए, नॉन कैश एक्सपेंस के एग्जांपल हो गए जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब क्या होते हैं आपके नॉन कैश आइटम्स। और नॉन कैश इनकम का एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, और उसके बदले में आपके पास कोई एसेट आ गया, और आपके पास कोई भी अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये सब आपको यहां से क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। अब मुझे बताइए, जब आपने नॉन कैश भी हटा दिया, नॉन ऑपरेटिंग भी हटा दिया, तो आप कह सकते हैं दिस इज योर ऑपरेटिंग आइटम, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। अब आप इसमें क्या करेंगे, प्लस या माइनस एडजस्ट करेंगे, किसको प्लस या माइनस, किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, आप एडजस्टमेंट करेंगे चेंज इन ऑपरेटिंग करंट असेट्स ऑब्लिक करंट लाइबिलिटी। जितनी भी आपकी करंट असेट है या करंट लाइबिलिटी है उनको एडजस्ट करेंगे। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर करंट असेट बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, करंट असेट कम हो रहे हैं तो क्या होगा, सोच के देखिए। डेटर्स, डेटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो आप क्यों बढ़ रहे हैं डेटर्स, क्योंकि आपने ज्यादा क्रेडिट सेल करी है। डेटर्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने ज्यादा क्रेडिट सेल करी है। ज्यादा क्रेडिट सेल करी है मतलब आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है मतलब आपके पैसा आ नहीं रहा, तो क्या होगा, ये कैश को कम कर रहा है, क्योंकि पैसा ना आना वो भी कैश का जाना होता है, तो क्या होगा कि आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम होने का मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसा आ रहा है तभी तो डेटर कम हो रहे हैं, तो क्या ये क्या करेगा, कैश को बढ़ा देगा, ये एड बैक हो जाएगा। इफेक्ट आपको देखना है, जैसे करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं मतलब आपने उधार में सामान खरीद लिया, उधार में सामान खरीद लिया मतलब आपका कैश बच रहा है, कैश बच रहा है तो ऐड हो जाएगा। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं मतलब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, पेमेंट करी है तो कैश जाएगा, तो ये आपका एडजस्टमेंट हो जाएगी, ये लेस हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपने नहीं लेना यहां पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज योर कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप इसमें से टैक्स पेड, जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के टैक्स पेड की फिगर निकाली थी, कौन सी वाली सर, ये वाली जो फिगर निकाली थी, ये जो सॉरी ये वाली जो आपकी फिगर थी, जो आपने ये वाली फिगर निकाली थी, ये क्या थी आपकी टैक्स पेड थी, ये आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, CFOE, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आई होप आपको ये कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब इसमें देखिए जितने क्वेश्चंस कर लेंगे उतना आपकी अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें AS बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, AS बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो आपको कुछ आइटम्स दे देगा और आपको आइटम्स आइडेंटिफाई करनी है, वेदर इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, या आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्ट ज्यादा आसान हो जाता है, इनडायरेक्ट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, चैप्टर में ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अकाउंट्स आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है जी। तो दिस वॉज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हमने दो टॉपिक्स देखे, कौन कौन से टॉपिक्स देखे, हमने देखे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी दैट इज और नेक्स्ट वीडियो का टारगेट रखते हैं हम ट्यूजडे का, और ट्यूजडे को जो हमें टॉपिक्स करने हैं दैट इज योर, वैसे मेरे को आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और इंश्योरेंस क्लेम कराना था लेकिन हमारा फ्लो बन गया था इनमें, तो हम इनको करा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और इंश्योरेंस क्लेम्स, ये दो टॉपिक आपको ट्यूसडे तक कर कर चलने हैं, ठीक है जी। और मैं आपको बता देता हूँ, अब हमारे पास ज्यादा कंटेंट बचा नहीं है, संडे को, संडे वाली वीडियो में आपको मैं टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा
जो हमारे बचे हुए टॉपिक है, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ब्रांच अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, ये आपको संडे को मिलेगा, और साथ में हमको जो हमारे थ्योरी बचे हुए हैं थ्योरी को भी इसके साथ साथ ही कवर करके चलेंगे। देख लेंगे थ्योरी को, या तो थ्योरी को यहां पर कवर कर लेंगे, यहां पर कवर कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, टाइमिंग ऑफ द टॉपिक। तो ये हमारे दो रिविजन क्लासेस बची हैं, ट्यूजडे एंड संडे वाली। तो इस तरीके से हमारा कोर्स हो जाएगा। प्लस कनेक्टेड रहिएगा, मैं जल्दी एक वीडियो रिलीज करने वाला हूं जिसका नाम है हाउ टू स्कोर 90+ इन CA इंटर अकाउंट्स, कि CA इंटर अकाउंट्स में 90+ या उससे ज्यादा नंबर कैसे लाए जाएं। लाना बहुत आसान है सब्जेक्ट, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप इजीली इसमें मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।